हेलो दोस्तों, ये हमारी फोर्थ वीडियो है बजट पे, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम जी ने वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जो विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। और आशा वर्कर्स जो होते हैं उनको जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति और बीपीएल की परिवारों की जो गर्भवती महिलाएं हैं की प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। तो इन्होंने घोषणा की है कि जो सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच एवं संस्थागत प्रसव के लिए भी ऐसी ही प्रोत्साहन राशि आशा वर्कर को दी जाएगी, और इस पे राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए देगी। और इसके साथ ही आशा वर्कर को प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय में राज्य अंशदान को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। तो जो आशा वर्कर्स हैं उनकी 500 रुपये प्रतिमाह सैलरी बढ़ गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 5 करोड़ रुपए का मतलब पैकेज रख 5 करोड़ रुपए वो व्यय करेगी इन चीज़ों पे। तो जो आशा वर्कर्स हैं उनको ये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और बीपीएल के परिवार की महिलाएं हैं उनकी जैसे प्रसव पूर्व की जाँच और प्रसव अच्छे से होने के लिए इन आशा वर्कर को 600 रुपए की राशि गांव में और शहरों में 400 रुपए की दी जा रही है। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इनकी जो अंशदान है जो 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ, यानी कि जिनको 600 रुपए मिल रहे हैं उनको 1100 मिलेंगे, और जिनको 400 मिल रहे हैं उनको 1000 रुपये की राशि 900 रुपये की राशि मिलेगी जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। और प्रदेश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उनके लिए आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में मिलेंगी सभी सरकारी आयुर्वेदिक संस्थानों में। और इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 2702 करोड़ रुपए और आयुर्वेद विभाग को 307 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब बात करते हैं सहकारिता, इसमें कुछ खास नहीं है। शहरी विकास, ये भी मंडी में एक पार्किंग की जो समस्या है उसके लिए एक बहुमंजिलीय पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पीपीपी मोड में निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है जयराम जी ने घोषणा की है कि 2020-21 में मॉडल म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज अधिसूचित करेगी, ताकि जो भूकंप जब आता है तो ऐसी इमारतें बना सके, मतलब मॉडल के लिए सरकार कोड जारी करेगी तो उसी मॉडल के घर होने चाहिए सबके। और अब इम्पोर्टेंट है, एक है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, तो इसके अंतर्गत 1000 लाभार्थियों को प्लम्बिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 500 जो कामगार हैं जो ऑलरेडी प्लम्बिंग का कार्य कर रहे हैं उनको वेज एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा 2020-21 में दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत।
जैसे सबको पता है कि शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिशन में के अंतर्गत चयनित किया गया है। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 50% की राशि, सहायता राशि जारी करेगी, और इसके लिए बजट रखा है 100 करोड़ का 2020-21 के लिए। और जयराम जी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार आरंभ किया है। तो अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार का है कि इसका जो है वो जो शहर सबसे श्रेष्ठ होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और इस उद्देश्य से नगर परिषदों, नगर पंचायतों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15th वित्त आयोग था उसकी सिफारिशों को मानते हुए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 61.74 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 207 करोड़ रुपए कर दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन, तो जयराम जी ने कहा है कि प्रदेशवासियों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित नियमों में सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के प्लानिंग स्पेशल एरियाज एंड यूएलबीज में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 अमेंडेड अप टू 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत वास्तुकारों को 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी प्लाटों की स्वीकृति की शक्ति प्रदत्त करने पर सरकार विचार करेगी। भू प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन, हमारे जयराम जी ने कहा कि पायलट आधार पर शिमला जिला की दो तहसीलों शिमला शहरी और कुमारसेन में सभी राजस्व संबंधी लेन देन का ऑनलाइन पंजीकरण नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से करना आरंभ कर दिया है। तो सबसे पहले किया है शिमला शहरी और कुमारसेन नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इन दो तहसीलों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं, तो अब 2020-21 में इस प्रणाली को सभी तहसीलों में भी लागू किया जाएगा। तो देखिए, वर्तमान में भूमिहीन एवं आवास रहित परिवारों को भूमि आवंटन के लिए आय सीमा 50,000 रुपये वार्षिक है, तो अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये वार्षिक कर दिया जाएगा। जो कि जयराम जी की ही बोली मैं पढ़ता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए SDRMF स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के अंतर्गत हिमाचल के लिए 2020-21 में 454 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 158% अधिक है, और इनमें से 50 करोड़ की राशि रिस्क मिटिगेशन के लिए भी आवंटित की गई है। मैं इस फंड के गठन की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार इस कोष का उपयोग भूस्खलन से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। मैं राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही नंबरदारों के मासिक मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। तो भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन। तो इसके माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक पूरे देश के जितने भी घर हैं, घर में नल लगे हैं, उनमें शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। अभी जो हिमाचल में 56% घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है, तो प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,900 करोड़ की लागत से 327 परियोजनाएं कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत लगभग 211 करोड़ रुपए की लागत से 209 निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। मैं 2020-21 में 1 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ।
और इसके अलावा जल गार्ड, पैराफिटर्स और पंप ऑपरेटर्स जो हैं उनके लिए 300 रुपये प्रति माह की सैलरी बढ़ाई गई है। और 2020-21 में पेयजल प्रबंधन के लिए 2213 करोड़ रुपए बजट राशि प्रस्तावित है। पेयजल प्रबंधन के लिए 2213 करोड़। उद्योग निधि निवेश, तो इन्होंने एक स्थापना की है हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण, हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय की आवश्यकता है। इसके आवश्यक है कि एक समर्पित संस्था प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश लाने हेतु कार्य करे तथा बड़े प्रस्तावों का शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करे। अतः मैं इस प्रयोजन हेतु हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण की स्थापना की घोषणा करता हूँ। यह अभिकरण सभी संबंधित विभागों से वांछित क्लियरेंस एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। तो देखिए, एक है कि हिमसप, हिम स्टार्टअप योजना, इसकी घोषणा की है। तो स्टार्टअप उद्यमी जो हैं हिमाचल के, उनकी सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। तो परंपरा नाम से एक नई योजना स्टार्ट की है, पारंपरिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर प्रोत्साहन परियोजना। तो इसके अंतर्गत जितने भी चांदी के गहने, थांका, एप्लिक, पूले, धातु, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल जो है, इनको उचित जो बाजार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो परंपरा जो स्कीम है, इसके अंतर्गत 58 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चल रही है, इसमें स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग के युवा युवतियाँ जो हैं उनको अनेक सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही है। तो उद्योग में 60 लाख रुपए तक के निवेश पर, संयंत्र मशीनरी के निवेश पर पुरुष उद्यमियों को 25% तथा महिलाओं को 30% उपदान दिया जा रहा है। मैं इस योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए 35% उपदान देने की घोषणा करता हूँ। ओके। अब है ऊर्जा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जल विद्युत दोहन प्रदेश के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2020-21 में लगभग 515 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना है, जिसमें 180 मेगावाट की बजौली होली, 24.6 मेगावाट की बांगर होमते और 100 मेगावाट की सोरंग तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू शामिल है। 100 मेगावाट क्षमता की उहुल को भी मई 2020 में चालू किया जाएगा। 2021 में लुहरी चरण एक 210 मेगावाट, धौलासिद्ध 66 मेगावाट, चांजू तृतीय चरण 48 मेगावाट और देवथल चांजू 30 मेगावाट परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करना प्रस्तावित है। तो रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की है, उसमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया है और इसकी जो अनुमानित जो लागत है वो 6947 करोड़ रहे। इस परियोजना का जो कार्य है 2020-21 में आरंभ होने की संभावना है। प्रधानमंत्री
प्रदेश में विद्युत उत्पादन में गति लाने और गैर परंपरागत ऊर्जा के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित लगभग 3,200 करोड़ रुपए की परियोजना को भारत सरकार ने विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। तो 3,200 करोड़ की जो परियोजना है वर्ल्ड बैंक ने, मतलब वर्ल्ड बैंक फंड देगा इंडियन गवर्नमेंट को। इसके अलावा पांगी घाटी में बिजली की समस्या को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 2020-21 में 1,000 घरों में 250 वॉट क्षमता प्रति घर के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में तथा आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 250 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक की परियोजनाएं आवंटित की है। मैं इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु 2,000 रुपये प्रति किलोवाट का उपदान देने की घोषणा करता हूं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2020-21 में 8 अतिरिक्त ई एच टी परियोजनाओं क्रमशः कोठीपुरा एम्स और इस तरह अलग पर जो औद्योगिक पार्क तथा विद्युतकरण में प्रणाली सुधार संबंधित 65 हाई लो वोल्टेज परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। भारत सरकार के सौर ऊर्जा निगम द्वारा संयुक्त रूप से 50% इक्विटी भागीदारी के अंतर्गत बैटरी भंडारण की सुविधा के साथ काजा में बनने वाले 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य 2021 तक पूरा किया जाएगा। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ता है, तो इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने 158 करोड़ रुपए की एक परियोजना आरंभ की है, जिसे 2020-21 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में लगभग 65,000 लकड़ी के बिजली के खंभे विभिन्न एचटीएलटी लाइनों में विद्यमान हैं। इन सभी खंभों को 2020-21 में बदला जाएगा सभी को। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर 2020-21 में लगभग 3,000 कर्मचारियों, जिनमें मुख्यतः तकनीकी कर्मचारी होंगे, नियुक्त करने की घोषणा की है। तो बिजली के संचालन के लिए सरकार द्वारा 1,381 करोड़ रुपए की लागत से 6 सबस्टेशन और 6 ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर ली गई है। 2020-21 में हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम द्वारा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में 820 MVA क्षमता के 6 सबस्टेशन और 200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है, और इनके जो व्यय है वो 350 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाएंगे। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली देने के लिए 2020-21 में 480 करोड़ रुपए सब्सिडी प्रस्तावित है। प्रदेश के ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बिजली की सुचारू आपूर्ति हेतु अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आवश्यकता अनुसार उपदान का युक्तिकरण किया जाएगा। नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत सोलंग वैली अटल सुरंग के साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल को नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। 2 नए टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। इन नए पर्यटक सर्किटों में इको एडवेंचर और जल क्रीड़ा पर्यटन गतिविधियों पर बल दिया जाएगा। इन सर्किटों को समर्पित बस सेवा से भी जोड़ा जाएगा। बिजली महादेव तथा रोहतांग पास के लिए रोपवे बनाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों
तथा संबंधित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करके इन पर कार्य आरंभ किया जाएगा। तो नई राह नई मंजिलें योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय प्रायोजित स्वदेश दर्शन हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 73 करोड़ रुपए की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। माँ चिंतपूर्णी मंदिर को 45 करोड़ रुपए की लागत से प्रसाद योजना के अंतर्गत लाने बारे भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना मंडी में शिवधाम की स्थापना, रिवालसर का सौंदर्यकरण, बिलासपुर में बाबा नाहर सिंह मंदिर का सौंदर्यकरण, डाडा शिवा स्थित कालेश्वर मंदिर, हमीरपुर में अवाहदेवी मंदिर, कुल्लू में मणिकर्ण, सिरमौर में त्रिलोकीपुर मंदिर के लिए बनाई गई है। इस वर्ष सूरजकुंड मेले में हिमाचल प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया। इसे प्रदेश तथा उसके उत्पादों की जानकारी देश विदेश में पहुंची। प्रदेश में कई प्रकार के हस्तशिल्प और सुंदर उत्पाद तैयार किए जाते हैं, परंतु विपणन के अभाव में शिल्पियों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। तो सूरजकुंड मेले की तर्ज पे एक और मेले का आयोजन किया जाएगा आर्ट क्राफ्ट और पर्यटन का। पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से धर्मशाला में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और सुंदरनगर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, 135 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। थैंक यू।